दीदी कॉफी ले भी आओ, कब से कहा हुआ है? ओ बेगम साहब ये लीजिए कॉफी। ओ बेगम साहब एक बात तो बताएं, आपका अगर 20 लाख का इनाम निकला है तो आपने क्या करना है? हाय, अगर मेरा 20 लाख का इनाम निकला है ना तो मैं एक अच्छे से मैरिज ब्यूरो में अपना नाम लिखवाऊंगी और अपने लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढूंगी। ये रिश्ते से पैसों का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, तुम्हें क्या पता। अच्छा अगर ये इनाम तुम्हारा निकला है तो तुम क्या करोगे? मैं ना गांव में ऊंची सी हवेली बनवाऊंगा। वाओ वेरी गुड। और 3-4 नौकर भी रखूंगा। वो क्यों? वो जो तनख्वाह देने के लिए। वेल डन वेल डन वेल डन, दुनिया के आखिरी घटिया इंसान, ये बता कि मेरी अदम मौजूदगी में तो चलो ठीक था, अब तुमने मेरी मौजूदगी में भी बकबक शुरू कर दी तनख्वाह के सिलसिले में। सॉरी पट्टी साहब, मैंने आपको देखा नहीं था। कोई बात नहीं प्यारे डीडी, कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा भी है और अपने इन कानों से सुना भी है। अपनी जरा, ये कह रहा था कि मैं नौकरों को तनख्वाह दूंगा, यही कह रहा था ना? जी जी भाई जान, तनख्वाह की बात कर रहा था। चल भाई अपना डीडी, जो तू नौकरों को तनख्वाह देगा ना उसमें से तू तनख्वाह रख ले, बल्कि काट ले अपनी तनख्वाह जो मैंने तुम्हें देनी है। आज से तेरा मेरा हिसाब किताब खत्म, जा बल्कि इधर आ, इत्थे बैठ, गोडा दबा। जरा बीबी आप पट्टी साहब को समझाती क्यों नहीं है? ओए, इससे पहले कि तेरी बातों से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाए और तुम्हें गोडे की बजाय सर दबाना पड़े, एक ही बात पे इक्तफा कर ले बस। चल शाबाश। इस गोडे को पता नहीं हवा लग गई है सुबह, ये चपनी में दर्द है। दबा। आज मैं नीचे आसमां ऊपर, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, पता नहीं कौन सा गाना है। डीडी ओ डीडी डीडी छेती मार इधर आ। ओ जी बेगम साहिबा। क्या मसला है बेगम साहिबा? हाँ। मैं ना तंग आ गया हूँ, जब मैं पट्टी साहब से तनख्वाह की बात करता ना वो मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। चलो कुछ तो देते हैं ना तुझे। वाह बेगम साहिबा, जोरा बीबी पहले ही उनकी तरफ थी, अब आप भी उनकी हिमायत कर रही हैं। जोरा का नाम मत लेना, बड़ी कुटनी है वो, गली का गंद है वो, हम सबको कटना चाहती है इस घर से। पट्टी साहब को भी? ओ नहीं नहीं पट्टी साहब को नहीं। ठीक है बेगम साहिबा, मैंने भी सोच लिया, अब मैं भी ना काम करके पैसा कमाऊंगा ताकि मुझे तनख्वाह की फिक्र ना हो। वो सारे काम के लिए तुझे पहली तनख्वाह तो चाहिए होगी ना? वही तो नहीं मिल रही बेगम साहिबा, क्या करूं? तू सिर सुट के लगा रहे लगा रहे। सही बात है बेगम साहिबा, गरीबों का तो कोई है ही नहीं। गरीबों का तो सब कुछ होता, गरीब आपस में मिले हुए जब तो उनका कोई नहीं है। है बेगम साहिबा समझा नहीं मैं। ये अलजबरा ज्योमेट्री का सवाल है, तुझे समझ नहीं आएगी, बैठ जा थोड़ी देर, बैठना चाहता है तो। नहीं बेगम साहिबा काम बहुत है। मुर्गी पका कच्ची ना पकाई? अच्छा लाता उन्हें 2 रुपए की मुर्गी। हेलो फरजाना कैसी हो तुम, ठीक हो ना? अरे यार मेरा तो इतना गाना गाने को दिल चाह रहा था, सब कह रहे थे स्किन को ठीक करने के लिए ना जो सॉन्ग की थेरेपी होती है ना उससे स्किन ग्लो करती है बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं, ये जो से भट्टी साहब ने मुझे बड़े नुस्खे बताए थे। बेगम साहिबा जी आपने बुलाया, बाज आ जा मैं बात करी। सॉरी जरा माफ करना, नौकरानी आ गई थी, मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके बाय। हाँ अल्लाह हाफिज। क्या है, मैंने तो नहीं बुलाया तुझे। वो जहरा बीबी तो कह रही थी कि आपने बुलाया है। एक नंबर की झूठी है जहरा बीबी, तू नहीं जानती उसको। तो बेगम साहिबा ऐसे रख देना, बेगम साहिबा बेगम साहिबा। अच्छा हाँ। इसका मतलब है मुझे मुतात रहना चाहिए फिर उनसे। क्यों क्या हुआ? वो ना पूछ रही थी कि बेगम साहिबा तुमसे कैसा सलूक करती हैं। तूने तो पूरा मुंह खोल दिया होगा, ऐडा वड्डा है ना। ना करें जी, मैं भला आपकी बुराई कर सकती हूँ? बेगम साहिबा वैसे ये जहरा बीबी ना मेहरू बीबी से ज्यादा खतरनाक है। कौन सी जेल से छुट्टी है, इसका तो फुल मूड है, मुझे तलाक दे के जाना चाहती है वो। तौबा जी तौबा। शाबाश, ये ले 100 रुपया, तू भी क्या याद रखेगी, ऐश करना, जो भी वो बात करे ना तूने मुझे बतानी है। सिर्फ 100 रुपए इतने बड़े काम के लिए? चूही तुझे पता है नौकर कभी मालिक क्यों नहीं बनते, हर वक्त उनकी मालिकों के पैसों पे नजर रहती है। तू वैसे खबरें देती जा, नोटों की फिक्र ना कर, पैसा बड़ा। देख ले बीबी जी वहाँ से अच्छी ऑफर आ गई ना तो मसला हो जाएगा। बड़ी मनहूस शक्ल है चूही तेरी, ये ले 500 रुपए, मैंने सदका देना था, बकरा नहीं मिलता, चूहा सा मिल रहा था तेरी तरह, मैंने कहा चलो तुझे दे देते हैं, ऐश कर ले। ठीक है जी, बस आप पैसे तैयार रखिएगा, मैं खबरें तैयार रखूंगी। अच्छा जी, डीडी नू चक्कर दे के किधरे मॉडल बनने ते चक्कर ही तो नहीं है, रैंप ते फिर ये अल्लाह चाय पिए सट्टी कुमी रहती नौकरा नाल।
हाय फरजाना, सॉरी फरजाना, हेलो फरजाना, मैंने होल्ड पे रखा हुआ था ना। हाँ, वो हमारी नौकरानी ऐसी जसूस है कि मैं तुझे क्या बताऊँ, सारी जसूसियाँ मेरा कार्निकास है, जेम्स बॉन्ड की फूफी बनी हुई है, कभी इधर से निकलती है कभी उधर से निकलती है, और वो मेरी नंद उसके साथ रह रही है। मैं बड़ी परेशान हूँ, तुम कभी अकेले में आना ना, फिर मैं तुझे बताऊँगी जब पट्टी साहब नहीं होंगे। क्या करें, मजबूरियाँ, नंदों के गंद बताने हैं तुम्हें। मैं गाना नहीं गा सकती ना, मैं क्या करूं, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे सख्त मना किया है गाने पे, चैनल वाले कहते हैं गाना गाओगी ना तो हम काट देंगे, इसलिए मैं गाना नहीं चाहती। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज, ओके बाय। तोबा तोबा तोबा, लगता है भाई इस मुल्क में हर जवान आदमी भी बूढ़ा हो गया है, ऐसे ऐसे इश्तेहार छप रहे हैं। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा, ये क्या है भाई, हमारे यहाँ इंटरनेशनल अमेरिकन रिश्ते दरकार है, फोन मिलाइए और अमेरिका जाइए, फोन नंबर। हेलो, हेलो जी, मैं भट्टी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। अभी मैंने आपका इश्तेहार पढ़ा जो अखबार में आया है। अच्छा जी, तो गोया आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप अखबार पढ़ सकते हैं। जी मैं तो वो अखबार भी पढ़ लेता हूँ जो आपके अखबार छापने वाले भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिलहाल मैंने जो फोन किया है इसका मकसद ये बताना नहीं था कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। तो वो बताइए ना जो बताने के लिए फोन किया है। जिस काम के लिए आपने इश्तेहार दिया है ना, उसके लिए मैं गोडे गोडे गिट्टे गिट्टे इंटरेस्टेड हूँ। ओहो, अरे वाह, तो फिर जल्दी बताइए ना अपना एड्रेस, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए मरी जा रही हूँ। भाई ये भी खूब रही, मैं कराची में हूँ, आप मरी जा रही हैं। खैर, अगर आप मरी जा ही रही हैं तो मुझे आप अपना एड्रेस बता दें, मैं वहाँ अकेले में आके आपको मिल लूंगा। ओहो, वो मरी नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। आ जाए आ जाए, प्लीज आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मिलने से पहले ही आप मर जाए। नहीं, ऐसे मजाक किया, मजाक किया। अपना एड्रेस बताएं। ओके, मैं एड्रेस आपको बताता हूँ। एड्रेस है जनाब हमारा, या अल्लाह, एक डाइन गई तो दूजी आ गई, वो तो फिर थोड़ी चंगी थी, कम से कम मेरा ख्याल तो करती थी। आलिया, ये तो डायरेक्ट मुझे तलाक दिलाने के लिए आई। आलिया जी, मेरे सरताज। आलिया तुम ऐसा करो, जल्दी से जहरा को तैयार कराओ, उसे घर वापस भिजवाने के लिए। तो मैं बड़ी जल्दी इसको घर भिजवाने की, वो भी तो मुझे हर वक्त माँ पियो के घर भिजवाना चाहती है ना। एक तो तुम लोगों की आपस की चक चक खत्म नहीं होती, उसी को खत्म करने के लिए तो कह रही हूँ आपको। अच्छा चलो, फिलहाल तो उसे तैयार कराओ, वो आ रही है रिश्ते वाली, इसको देखने। बस हर रिश्ते वाली देखने आती, लेके कोई नहीं जाता वापस। दुआ करे, अल्लाह करे कि उसको ले भी जाएं जिस तरह देखने आते हैं, दुआ करया कर। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी इतनी जल्दी दुआ सुनी, ले जा इसको पक्का पक्का। अच्छा चलो जाओ, जाके उसको तैयार कराओ। ठीक है, शाबाश। हाँ। दौड़ के जाओ। हाँ। दौड़ के कहाँ जाओगी तुम, ये क्या कह बैठा हूँ मैं, क्या बैठे और अस्तगफुरुल्लाह, तौबा, 3 दिन में पहुंचेगी जोरा के पास, ये मेरी बहन अपने घर की हो जाएगी, मेरे कंधों से बोझ उतरेगा, ये बहुत बड़ा फर्ज होता है जो इंसान को अदा कर देना चाहिए सही वक्त पे, हमसे ही देर हो गई, चलो अल्लाह करे कोई अच्छा ही रिजल्ट निकले। वाह, ये आपने इतना मुख्तसर इश्तेहार क्यों दिया? मेरी आदत है टू द पॉइंट बात करने। ये बताएं कि आपके पास ये अमेरिकन रिश्ते इतने कहाँ से आए? अमेरिका से, और कहाँ से? नहीं नहीं, इनका पूछने का मतलब ये था कि माल तो सारा चाइना में बनता है, फिर अमेरिका से क्यों आ रहा है? जी हमारे पास तो सारे सॉलिड अमेरिकन है। मैंने 3-4 अमेरिकन देखे थे, बहुत ही सॉलिड थे वो। ओ पट्टी साहब, तुसी किथे देख लिए? और चलिए, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, सब दिखता है। ओहो, तो फिर आप भी मुझे दिखाएं ना, ताकि मैं फाइनल कर सकूं। क्या अच्छी बात आपने की, वाह, अपनी तरह अभी दिखाते हैं। जाबे तू जहरा को ले आ जाके। शाबाश। जहरा कौन? वो मेरी गंद गली का गंद, मेरी नंद, नंद नंद। लेकिन मैं लड़की नहीं, घर देखने आई हूँ। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है भाई, घर वालों से मिलना चाहिए, देखना चाहिए। ये बताए कि मैं आपको कैसा लगा? पट्टी साहब कुछ और ना लग जाए तो। ओहो, अरे अरे भाई,
मैंने अखबार में घर किराए पर लेने का इश्तेहार भी दिया था। मुझे पता था मेरी नाती मनहूस है, मैंने ना रिश्ते के लिए बुलाया था और आप मकान देखने आ गई। ओहो सबर सबर, रिश्ते करवाने का इश्तेहार भी मैंने ही दिया। भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप इस घर को आज से अपना ही घर समझे और घर वाला तो फिर यही घर डन करते हैं। क्यों जनाब? ऐसा ना हो घर वाली बन जाए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं ठुड्डा भी मारनी नहीं है। बाज आ जाए आप रिश्ते तक रहे। ऐसा लग रहा है जनरेटर चल रहा है। आप हमारे दोनों की तनख्वाह बढ़ाते हैं। और बढ़ाई ना दे बल्कि पिछली दे भी दे। क्यों, किस खुशी में? देखिए जी, आप लोगों की बात तो अलग थी, अब एक बेगम साहिबा और आ गई इस घर में। हाय मैं मर गई, पट्टी साहब ने उस औरत से दूसरी शादी तो नहीं कर ली ना? बेगम साहिबा, रेशमा का कहने का मतलब ये है कि एक औरत और बढ़ गई इस घर में। उसके आने से तनख्वाह का क्या ताल्लुक है? ना तो वो आई है, उनके साथ तो उनका स्टाफ भी आ गया है। इसमें कौन सी बड़ी गल है? और इसके कहने का मतलब ये है कि उनको ऑफिस तो नहीं आया, लेकिन रिश्ते वालों ने आना है जाना है, उनका चाय पानी भी तो हम नहीं करना है ना। तो काम बढ़ गया ना बेगम साहिबा, तो तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए और मिलनी भी चाहिए। आहो ऐसा करो, तुम लोग सीधे पट्टी साहब के पास जाओ, उनका दिमाग खाओ, बल्कि धरना भी दो और उस मुटल्ली को भी जाके तंग करो। जाओ, मेरा सोने का टाइम है, मेरी ब्यूटी क्लिनिक होती है इस वक्त। जाओ, मैंने मास्क भी लगाया, वो भी नहीं काम कर रहा। बड़ा दिमाग खाया नौकरों ने, खुदा पूछे इनको, इतनी नाजुक सी कली को तंग करते हैं। भट्टी साहब वैसे आप बड़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। भाई गुफ्तगू में बेतकल्लुफी होनी चाहिए, मेरा मतलब है तू तड़क, आप तो मुझे साहब ना कहें। वैसे तो आपकी हरकतों की वजह से किसी को भी आपको साहब नहीं कहना चाहिए। वो तो मेरी बीवी ने मुझे वक्त से पहले बुढ़ा कर दिया, वरना ये जो भट्टी था, ये चौड़ा चकला सीना, लंबा कद, गोरा चिट्टा, ये सुर्ख गाल और मेरी मूंछों का तो पूरा शहर दीवाना था। वाकई? जी जी, वो बच्चों के गाल सहलाते हैं ना लोग। लोग मेरी मूंछों को यूं यूं सहलाया करते थे। ओहो भट्टी साहब, अब इस औरत के चक्कर में कैसे फंस गए? कहाँ फंसा हूँ औरत के साथ, अभी तो औरत को फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, मैं इस औरत की बात कर रही हूँ। हाय हाय हाय, उस औरत का जिक्र करके मुंह का मजा ही किरकिरा कर दिया। खैर छोड़े ये इस मनहूस जिक्र को, ये बताएं आपने कभी किसी मशहूर शख्सियत की शादी कराई है? हाँ जी बिल्कुल, असल बिजनेस तो मेरा अमरीका का ही है ना, ज्यादातर रिश्ते मैंने अमरीका में ही करवाए। जरा चंद लोगों के नाम तो बताएं जिनके रिश्ते करवाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एंजेलिना जोली, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, वो नहीं थी टाइटैनिक वाली, क्या नाम था उसका? कैट विंसलेट। आपको बड़ा नाम याद है। अरे उसने तो पूरी फिल्म में पूरे पाकिस्तान को याद रखा, मैं उसका नाम कैसे ना याद रखता। ओहो, इन सारों के रिश्ते मैंने ही तो करवाए। अच्छा वाह, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अभी तक किसी पाकिस्तानी नौजवान पे नजर नहीं पड़ी। आप जैसा हैंडसम कोई मिला ही नहीं। अगर मिल ही गया है इत्तेफाक से, तो उसकी कदर करें और कुछ करें खुदा रहा। हाँ हाँ जरूर करूंगी, पहले आप मेरे मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करवा लेना। सिर्फ 50,000। 50,000? ये कुछ ज्यादा नहीं है भट्टी साहब? 50,000? अब आप मुझसे पैसों पे बहस करेंगे? बिसाइड्स अमेरिका नहीं जाना आपने, बिजनेस इज बिजनेस यू नो। नहीं वो तो आप ठीक कह रही हैं, खैर इतने ज्यादा भी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि किसी ना किसी तरह 50,000 का बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगा। अब मेरी बारी है। करे ना, अब मेरी बारी है। ये कौन है? अल्लाह मियां प्लीज मुझे कोई अच्छा सा लड़का ढूंढवा दे, इतना ज्यादा वेट भी नहीं है मेरा, अच्छी खासी खूबसूरत भी हूँ, बाल भी इतने अच्छे, गोरा गोरा रंग है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई लड़का मुझे पसंद क्यों नहीं करता। मुझे शादी किए बगैर नहीं मरना अल्लाह मियाँ, प्लीज अल्लाह मियाँ किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे प्लीज। अरे बन्नो, कब तक यूं ही फिरती रहोगी? जब तक मेरे पैरों में दर्द नहीं हो जाता या मेरे घुटने जवाब नहीं दे देते। आओ मैं पूछती हूँ, शादी का कोई इरादा है या नहीं? इरादा? मेरी जिंदगी का तो मिशन ही शादी है, और इस मिशन में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। है वाकई? तो और क्या, तुमने सुना नहीं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। है अल्लाह, तो क्या बाकी मेरी शादी करवा सकती है? तो और क्या, बस मुझे ये बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? जैसा भी हो, बस नब्स चलनी चाहिए। मेरे पास बहुत तस्वीरें हैं, जिस पर उंगली रखोगी वही मिल जाए। तस्वीरें तो मेरे पास ही बहुत है, पर मिलने वाला कोई नहीं है। तो और क्या, बताओ कौन सी नेशनलिटी का लड़का चाहिए तुम्हें? बर्मीज, भूटानी, अफगानी,
बोलो अमरीकी मिलेगा? हाँ हाँ मेरे पास दो अमरीकी नेशनल है। तो उनके बारे में कुछ बताए ना भाई। बगैर फीस के तो सिर्फ नाम बता सकती हूँ, एक का नाम है क्लिंटन और दूसरे का ओबामा। मगर ये नाम तो कुछ सुने सुने लग रहे हैं। जरताश के पास से रिश्ते हैं तो जाहिर बात है मशहूर तो होंगे ही ना। अब क्या उनकी तस्वीरें नहीं है? देखो भाई बिजनेस इज बिजनेस, तस्वीर क्या असली में मिलवा दूंगी, लेकिन पहले मेरे मैरिज ब्यूरो के लिए फीस देनी पड़ेगी 50,000 रुपए। 50,000? अच्छा ठीक है। क्लिंटन ओबामा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जी सफाई कर रहा हूँ। ओहो मेरा मतलब है इस घर में क्या कर रहे हो? ओ जी मैं नौकर हूँ, आपको मेरे होल ऐसे नहीं लगता? लुक्स तो तुम्हारे बड़े हीरो वाले, नौकर बने कहाँ फिर रहे हो? ओ जी जो तनख्वाह कभी नहीं मिलती ना उसको हासिल करने के लिए करना पड़ता है। नौकरी करनी तो अमेरिका जाके क्यों नहीं करते? अमेरिका? ओ जी मुझे कोई पिछली गली तक नहीं भेजता, अमेरिका कौन भेजेगा? ओहो नौकरी नहीं तो रिश्ता करा के चले जाओ। रिश्ता? ओ जी कौन देगा मुझे रिश्ता? मैं हूँ ना। माना जी सिटकॉम है, आप तो ज्यादा ही कॉमेडी कर रही है। अपने आप को देखें, आप बहुत बड़ी है मुझसे। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं नहीं रिश्ता मैं तुम्हें करवा कर दूंगी। फिर ठीक है, मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, जिस पर हाथ रखोगे वही मिल जाएगी। जी आपके पास कोई जिन है? हाँ बिल्कुल है। वो तो फिर हाजिर करें ना। हाजिर करने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। लो जी कर लो गल, मेरे पास कहाँ से है 50,000 रुपए। ओहो तो 25,000 तुम अपने लिए अरेंज कर दो, 25,000 मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। वाह जी वाह, ये बात ठीक है। मैं अभी क्या 25,000 लेके आया, आप जिनको बुलवा लें अभी थोड़ी जगह तो दें। ओहो एक काम करें आप, आलिया बीबी से मिले, मैं आया। ये भी हो गया। इसके बाद में तूने झाड़ पहुंच जरूर करनी। अच्छा ठीक है, आपने मुझे बुलाया? आए आए बैठे तो सही। मुझे तो हैरत है आप इस मोटे भद्दे बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी के साथ जिंदगी कैसे गुजार रही, और तुम यहाँ अपना टैलेंट जाया क्यों कर रही हो? आप ही समझाए ना मैं क्या करूँ। अब मैं दुखियारी परेशान हार कहाँ जाऊँ? अमरीका। अमरीका? लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? मैं भेजूंगी, मैं हूँ ना। कितने पैसे लगेंगे? मेरे पास तो लेकिन पैसे ही नहीं है। तो अपना पासपोर्ट तो जमा करवाओ ना, और खर्चे की फिक्र आप ना करें, खर्चा कोई इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी खर्चे का तो पता चले। तुम्हारे लिए सिर्फ 50,000। 50? ओहो टेंशन नहीं है, 25,000 तुम्हारे मैं दे दूंगी, 25 तुम अरेंज कर दो। 25,000 में तो इंसान शेखो पुरा तक नहीं जा सकता, आप अमेरिका भेज रही हैं? ओह मैं रिश्ता करवा कर भेजूंगी ना, इसलिए तो कम खर्चा आ रहा है। काला सिया मोटा बद्दा मेरे नसीब में लिखा, कोई गोरा क्यों नहीं मिल सकता मुझे? अरे मेरे पास बहुत तस्वीरें हैं, जिस पर हाथ रखेंगी ना उसी से करवा दो। उन तस्वीरों में पट्टी साहब की तस्वीर तो नहीं होगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, आप फिक्र ही ना करें। अच्छा बस ये बताइए फीस कितनी होगी, मैं अभी इंतजाम करती हूं। पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़े। क्या मैं, आप फिक्र ना करें ना, फीस की मुश्किल ही नहीं है, कीप द चेंज कर दूंगी। बस तो फिर काम हो गया। डीडी क्या कर रहे हो? ज़ेरा बीबी जो तनख्वाह मुझे कभी मिलनी नहीं ना उसको हलाल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो फिर कहीं और जाके हलाल करो। एक बात तो बताएं। पूछो। वो ये गरीबों की मदद करना कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है, इससे बड़ा सवाब मिलता है, और चाहे वो गरीब कोई भी हो। तो फिर एक काम करें, मैं ना आपको सवाब कमाने का एक बेहतरीन मौका देने लगा हूं। वो कैसे? आप ना जरा जल्दी से मुझे 1,00,000 रुपए दे दें। 1,00,000? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है बीबी जी, वो ना गांव में मेरी इमरजेंसी आई हुई है। भाई और भाभी ने ना तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा दिया, जब देखो पैसा पैसा पैसा, तनखा तनखा तनखा, पागल कहीं के। ये तो मुझे अच्छी भली लगती थी, ये तो पट्टी साहब की बहन। वाह वाह डीडी वाह। ओ पटी साहब आप क्या कर रहे हैं? और तुम जब इस तरह का मुंह बना के आते हो ना तो सबसे पहले आके अपना परना उतार के फेंकते हो। मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी इस काम में। ओ पटी साहब आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ हेल्प की तो है मैंने अभी। ओए इस तरह के मालक तो किस्मत वालों का मिला करते हैं डीडी। ओ पटी साहब फिर आज अपनी बात को सच साबित कर दें। अब क्या मैं गड़ा खोद के तुम्हें 6 फुट नीचे जमीन के दबा दूं? कैसे सबूत दूं तुम्हें मैं? पटी साहब मुझे ना 25,000 रुपए की जरूरत है। क्या मतलब 25,000 रुपए तुमने मुंह फाड़ के मांग लिए? और तुम्हें पता है कि 25,000 गिनते हुए कितना टाइम लगता है? ओ पटी साहब वो ना गांव में कुछ इमरजेंसी है। अच्छा तुम अगर थोड़े दिन सबर कर लो ना तो तुम्हें डॉलर की मद में ये पैसे मिल सकते हैं। ओ पटी साहब मुझे नहीं चाहिए डॉलर खैरात में, मुझे रुपए ही दे दें आप। ओए डॉलर हमें खैरात में ही मिलते हैं, और तू इससे इनकार कर रहा है तो कभी तरक्की नहीं करेगा। ओ, मुझे नहीं करनी तरक्की। चल अगर तुम्हें पैसों से इतना ही प्यार है तो तुम्हें मुझसे एक डील बनानी पड़ेगी। डील? कैसी डील? डील मामूली सी है,
आज तक तुम्हारा जितना हिसाब मेरी तरफ निकलता है वो ये 25,000 वसूल करने के बाद समझो बेबाक हो गया मंजूर। ओ मंजूर है सर जी, ओ मैं ना खुशी से मरने लगा हूँ सर। है वो मरने लगा है तो मरने से पहले ये 25,000 रुपए मुझे दे देना ताकि मैं सुकून से जी सकूं। और तुमने तो मर ही जाना, तुम्हारे किस काम के। उठा अपना परना और इसी स्पीड से वापस निकल जा जैसे आया था। पट्टी साहब समझ में नहीं आया मेरा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है। ये किचन में जाके सोचना कि क्या हुआ है। चल निकल जा शाबाश नीवा नीवा होके चल। बत्तख के बच्चे को तैरना सिखा रहा है। भाई ऐसे लाइने लगा के खड़े हो गए हो जैसे वोट डालने आए हो। लाओ अपने अपने इस्तीफे दे दो। ले आओ भाई आप भी दे दो, आप भी दे दो जी। ले आओ भाई। भाई अपना डीडी तुमने तो इस्तीफा दे दिया और तुमने क्या लिखा है भाई रेशमा? है रेशमा तुमने किस खुशी में इस्तीफा दे दिया भाई? जाहिर सी बात है पट्टी साहब, जहाँ डीडी वहाँ रेशमा। क्यों रेशमा? तू कहाँ जा रहे? तू यहीं रहेगा, मैं कल्ली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो रेशमा? अमेरिका। अमेरिका? ले भी रेशमा बड़ी खुशी हुई है सुन के कि तू भी अमेरिका जा रही है। मैं भी जा रहा हूँ, वहाँ इकट्ठे ही रहेंगे। कोई तुम सर्वेंट क्वार्टर में रहना ना पट्टी साहब। आपके साथ रेशमा नहीं मैं जाऊंगी हर जगह। तुम्हारे साथ तो मैं सरगोदे तक ना जाऊं। तुम अमेरिका को चल पड़ी हो मेरे साथ। भाईजान भाभी को रहने दे। क्यों भाई? क्योंकि मैं भी अमेरिका जा रही हूँ। या अल्लाह ये अमेरिका में भी मेरी जान नहीं छोड़ेगी। वहाँ मैं कह सकती हूँ गली का गंद ना हो तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ेगी। हाँ तो क्यों छोड़ू मैं पीछा आपका? आपको अगर पीछा छोड़ाना तो आप यहाँ मेरा पीछा छोड़ दे। तो छोड़ दो ना। ऐसे अजीब सी बात है, हम सभी अमेरिका जा रहे हैं। और मेरी तो चलो खैर है, मैं एक नामी ग्रामी मशहूर एक्टर हूँ और अमेरिकन जो है वो एक्टरों की बड़ी कदर करते हैं। तुम सब किस खुशी में जाने की तैयारियां कर रहे हो? मैंने तो कहा था सिर्फ फॉर्म फिल करो, वीजे पता नहीं लगते हैं कि नहीं लगते। तुम लोगों ने बगलें बजानी शुरू कर दी हैं। मुझे तो जी वो रिश्ते वाली आंटी ने बोला था कि तुम अमेरिका जाओगी। ओ भाई मुझे भी बोला था। मुझे भी भेजा था। क्या शोर मचाया हुआ है? मछली मंडी बना दी तुम लोगों ने। रेशमा जा जरा जाके आंटी को लेके आ। जी पागल से गरीब लगता हूँ, अमेरिका जा सकता हूँ। नहीं नहीं इस तरह थोड़ी होता है। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, अजीब औरत है, खुद हाजिर नहीं हुई अदालत में, वकालतनामा जमा करा दिया है। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे अमेरिका जाने की टिकट का बंदोबस्त कर दिया और मेरे वहां रहने के लिए भी पैसों का इंतजाम कर दिया। आप लोग बहुत अच्छे हो, अमेरिका जाकर बहुत याद आओगे। मैं अमेरिका जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। आप लोग की तो खैर है, बेगम साहब आप लोग की तो खैर है, आपके पैसे तो आ जा रहे हैं, मेरी तनख्वाह वापस नहीं आ रही। मेरी तनख्वाह।